नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। दिनभर की बड़ी खबरें जिन पर आज हमारी नजर बनी रहेगी वो आपको बताएं। आज की बड़ी खबर यह है कि आज देश में टीकाकरण के एक साल पूरे होने वाले हैं और कोविड-19 वैक्सीन का एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की आज एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। कल उत्तराखंड में मंथन हुआ और अब दिल्ली में फाइनल मंथन किया जाएगा। यूपी की सियासत की बात करें तो दल बदल के सियासत के बीच अब बीजेपी सैफई परिवार यानी मुलायम परिवार में सेधबारी की तैयारी में है। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है और 1.5 साल से भी लंबा चला किसान आंदोलन का राग एक बार फिर से अब किसान उठाने लगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की कल बैठक हुई और एक बार फिर से सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया और कहा गया है कि फिर से आंदोलन की जाएगी अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो न्यूजीलैंड से खबर है जहां पर टोंगा में समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और इसको लेकर अमेरिका जापान में चेतावनी जारी की गई है। चलिए अब यूपी की सियासत की आज की बड़ी खबर बताएं। लखनऊ से बड़ी खबर है कि पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में वो सदस्यता लेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे का कार्यक्रम है जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दारा सिंह चौहान को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इसके पहले आपने देखा होगा जो कार्यक्रम हुआ था उसमें दो मंत्री और तमाम जो विधायक हैं कई और पार्टियों के विधायक शामिल हुए थे। दारा सिंह चौहान उस दिन शामिल नहीं हुए थे, आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और करीब 12:30 बजे का कार्यक्रम है जब अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदे दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था और जब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ तमाम जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे तो उस दिन दारा सिंह चौहान शामिल नहीं हुए थे। आज ये खबर है कि आज समाजवादी पार्टी में वो शामिल होंगे और आज करीब 12:30 बजे का समय है जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दारा सिंह चौहान को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। तो अब दारा समाजवादी हो गए हैं। इसके पहले वो योगी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वही लाइन जो स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने लिखी थी कि यहाँ पर पिछड़ों दलितों शोषितों वंचितों का यहाँ पर अपमान होता है और इसलिए हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। दैव विकल्प के तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को अब चुनने का फैसला किया है। तो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी के कुनबे में सेधमारी की तैयारी कर रही है बीजेपी और उनको लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। अपर्णा यादव लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ सकती है। बड़े नेताओं के दल बदल की चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अब उनकी छोटी बहू यानी अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज है और ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि अपर्णा लखनऊ कैंट से विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार हो सकती हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी भी हैं और अपर्णा यादव का झुकाव आपको पता ही होगा कि थोड़ा बीजेपी की तरफ उनका झुकाव होगा। उनके पति प्रतीक यादव की एक गौशाला है जिसमें पिछले साल आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गए थे वहाँ पर गौ सेवा के लिए, तो तभी से माना जा रहा थोड़ा बहुत झुकाव है उनका बीजेपी की तरफ। लेकिन अब जो हमारे पास खबर आ रही है कि बीजेपी एक बड़ी सेधमारी की तैयारी में है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के कई मंत्रियों और विधायकों को तोड़ा था, हालांकि बीजेपी कह रहा था कि इन लोगों का टिकट कटने वाला था और इसलिए ये लोग खुद ही चले गए। और यूपी से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वर्चुअल रैली के नाम पर जो हजारों की भीड़ बुलाई गई थी, चुनाव आयोग उस पर सख्त है। समाजवादी पार्टी को नोटिस भेजा है और 24 घंटे में चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। तो ये बड़ी खबर। इसके पहले अखिलेश यादव को भी नोटिस भेजा गया था, उनको उनसे कल ही 11 बजे तक जवाब मांगा गया था और उन्होंने जवाब दिया था। अब समाजवादी पार्टी को जवाब दिया मांगा गया है कि भाई वर्चुअल रैली के नाम पर हजारों की भीड़ क्यों, और जब स्पष्ट
निर्देश दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि कोई रैली, कोई रोड शो, कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी, वर्चुअल आप रैली करिए, वर्चुअल प्रचार कर सकते हैं, आप डोर टू डोर कैंपेन करिए 5 लोगों के साथ। लेकिन आप देखिए, ये सदस्यता ग्रहण अभियान चलाया जा रहा था, कार्यक्रम था, हालांकि पीछे आप देखिए उसमें बाकायदे वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है। वर्चुअल मतलब ये था कि सिर्फ अखिलेश यादव रहेंगे, बाकी 2-4 लोग रहेंगे, बाकी सब लोग जो है डिजिटल जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये ऐसा वर्चुअल है जिसको देख के हर कोई हैरान था कि ये कैसा वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और समाजवादी पार्टी को नोटिस भेजा है और 24 घंटे में जवाब मांगा है। अब आप देखिए जिस तरीके से यूपी में मामले बढ़ रहे हैं, कल 15 तारीख और 14 तारीख को ही इस तरीके की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। एक दिन का लोगों ने इंतजार भी नहीं किया कि भाई रिव्यू होना है चुनाव आयोग की तरफ से कि आगे रैली होनी है नहीं होनी है, उसके पहले ही ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें हजारों की भीड़। चलिए यूपी के बाद उत्तराखंड की सियासत की बात करते हैं और उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली में आज उत्तराखंड बीजेपी की बैठक होने वाली है और कोर ग्रुप की बैठक में टिकट वितरण पर मंथन किया जाएगा। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक होनी है जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष भी मदन कौशिक भी रहेंगे, क्योंकि इसके पहले उत्तराखंड में एक बैठक हुई और उसमें विधानसभावार उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई और अब वहां से एक लिस्ट तैयार हुई है। अब दिल्ली में उस पर बैठक की जाएगी और उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। तो अब ये आलाकमान यूपी के लगभग 107 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो कर दिया, अब उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। यूपी की चुनावी जंग के बीच बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से हुंकार भरेंगे, इन पार्टी ने पुष्टि कर दी। बीजेपी के मिशन गोरखपुर के मायने क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। बीजेपी के इस ऐलान के साथ ही उन सारे कयासों का अंत हो गया जो पिछले कई दिनों से मीडिया की सुर्खी बने हुए थे। कभी खबर आई कि सीएम योगी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे तो कभी रामनगरी अयोध्या का नाम भी योगी के चुनावी मैदान के रूप में सामने आया। लेकिन बीजेपी के मन में क्या चल रहा था इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जिसमें 105 सीटें तो पहले और दूसरे चरण की थी, लेकिन सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट का ऐलान तमाम कयासों का अंत करने के लिए कर दिया। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। सीएम योगी को उनके गृह जिले से ही चुनाव लड़ाया जा रहा है। गोरखपुर से सीएम योगी को चुनाव लड़ाने के पीछे सबसे मजबूत वजह गोरखपुर में बीजेपी का मजबूत वोट बैंक मानी जा रही है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में गोरखपुर सदर, गोरखपुर ग्रामीण, कैंपियरगंज, पीपराइच और सहजनवा विधानसभा क्षेत्र आते हैं और पांचों विधानसभा सीट समेत गोरखपुर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। साफ नजर आता है कि गोरखपुर बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है।
सीएम योगी को पार्टी ने उनके गढ़ से प्रत्याशी बनाया है तो उनकी खुशी भी साफ जाहिर हो रही है। सीएम योगी को गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतारने पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर तंज भी कसा है। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवभूमि से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। यूपी में सियासी बयार बह रही है, लिहाजा हर चीज में सियासत हो रही है। सीएम योगी का टिकट गोरखपुर से फाइनल होने पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली तो बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला जगदम्बिका पाल ने। जगदम्बिका पाल ने सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के फैसले पर खुशी तो जाहिर की ही, अखिलेश यादव को भी जवाब दे दिया। सच्चाई आज ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह से दलितों के साथ सलूक हुआ, अत्याचार हुआ, वो कोई भूल नहीं सकता। राज्यसभा में जिस तरीके से आरक्षण के बिल को समाजवादी पार्टी ने फाड़ा, उसको कोई भूल नहीं सकता। उसको पास करने का काम हमारी पार्टी ने किया, हमारी सरकार ने किया। आज दलितों के लिए इतनी योजनाएं बनाने का काम किया, अंबेडकर जी के पंचतीर्थ को बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जिस तरह से अंबेडकर शोध संस्थान दिल्ली में पार्लियामेंट के पास स्थापित हुआ, इसको हमारी सरकार ने किया। और ये लोग आज अगर जातीयता की बात, सांप्रदायिकता की बात करते तो अब वो चलने वाला नहीं है। न 2014 में चला, न 2017 में चला, न 2019 में चला, न 2022 में चलेगा। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रचंड बहुमत से बनाएगी सर। एक तरफ सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर विरोधी तंज कस रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र की जनता को अपना विधायक चुनना है वो सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के फैसले से काफी खुश नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उधर पंजाब की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री चन्नी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और पंजाब चुनाव को एक हफ्ते और बढ़ाने की मांग की है। रविदास जयंती के चलते चुनाव डेट बढ़ाने की मांग की है। चुनाव आयोग से 6 दिन डेट आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा है और गुरु रविदास जी की जयंती के चलते पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने चुनाव की तारीख कम से कम 6 दिन आगे बढ़ाने की मांग की है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में लिखा है कि 16 फरवरी को गुरु रविदास की जयंती है और जिसके लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु बनारस में होंगे, मताधिकार के प्रयोग से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य से अनुसूचित जाति के भक्तों में लगभग 20 लाख के करीब लोग हैं। 10 से 16 फरवरी तक यूपी के बनारस में उनकी रहने की संभावना होती है। ऐसे में इस समुदाय के कई लोग राज्य विधानसभा चुनाव में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। मुख्यमंत्री चन्नी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि मतदान की तारीख को इस प्रकार बढ़ाया जाए ताकि वो 10 से 16 फरवरी 2022 तक बनारस जा सके और लौट कर जब आए तो विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। पंजाब की सियासत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने संत रविदास जयंती को देखते हुए चुनाव आयोग से निवेदन किया है पत्र लिखे कि 6 दिन डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि रविदास जयंती के मौके पर उस समुदाय के लोग बड़ी संख्या में काशी जाते हैं और वहां पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके साथ एक हफ्ते तक उधरी लोग रहते हैं। तो ऐसे में इस समुदाय के करीब 10 से 20 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और इसलिए उन्होंने पत्र लिखकर ये निवेदन किया है कि चुनाव की डेट को करीब एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया जाए कि जिससे कि संत रविदास की जयंती भी हो जाए और वो लोग काशी से वापस आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है।
उधर यूपी से बड़ी खबर, कानपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीएसपी के नेता की गाड़ी से 50 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। बीएसपी के नेता शमसुद्दीन की गाड़ी से 50 लाख रुपए मिले हैं और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद की नकदी। आयकर और अन्य टीमें पूछताछ में जुट चुकी हैं। तो आप देखिए, चुनाव से पहले ये नकदी का खेल भी शुरू हो चुका है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही थी, लेकिन अब गाड़ी से ये 50 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं शमसुद्दीन, उनकी गाड़ी से 50 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग की टीम और बाकी टीम अब पूछताछ कर रही है, उनसे जांच कर रही है कि आखिर ये कैश कहाँ ले जा रहे थे और कहाँ से आया था। और जैसा कि चुनाव का वक्त है और ऐसे में ये माना जाता है कि रुपए पैसे का खेल होता है पूरा चुनाव, तो ऐसे में अब इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये पैसा कहाँ ले जा रहे थे, किसका पैसा था और कहाँ से आया था। तो आप देखिए, ये चुनाव में ये आरोप लगते रहते हैं कि जो नेता हैं, पार्टियां हैं, वो धनबल का इस्तेमाल करती हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यूपी दौरा है और नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और नोएडा के सेक्टर 85 में विशुनपुरा में प्रेस वार्ता करेंगे। कांग्रेस के यूपी की वो प्रभारी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको प्रियंका गांधी ने दी है कि भाई यहाँ पे एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी कराना है, और इसी क्रम में वो आएंगे और डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत नोएडा में करेंगे। अच्छा, सियासत के बीच जो किसान हैं वो भी अपनी बैठक कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। किसान फिर से आंदोलन कर सकते हैं, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। तो इस वक्त की ये भी बड़ी खबर आपको बता दें, कल दिन में मंथन किया किसानों ने और कहा कि भाई सरकार वादा खिलाफी कर रही है और जो वादा किया है अगर 31 तक सरकार ने उसको पूरा नहीं किया तो 1 फरवरी से मिशन यूपी और उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से आंदोलन करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और फिर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। एक फरवरी से फिर से यूपी और उत्तराखंड में आंदोलन की चेतावनी किसान नेताओं ने दी है। इसके पहले उन्होंने एक बैठक की। चलिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से दुनिया में दहशत फैल गई है। बड़ी खबर, न्यूजीलैंड के पास टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और टोंगा में आए भूकंप से पैदा हुई सुनामी। अमेरिका जापान में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। राहत और बचाव की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है क्योंकि समुद्र में जब ज्वालामुखी फटा है तो अगल बगल के जो देश है उस पर खतरा मंडरा रहा है। न्यूजीलैंड के पास टोंगा में समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर है। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने प्रशांत महासागर सटे कई राज्यों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। यूएस वेस्ट कोस्ट, हवाई और अलास्का में सुनामी के दौरान ऊंची ऊंची लहरें उठने का खतरा है।